हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर्कस रसोई। क्या आप इस प्यारा सा डॉल केक बना के अपना बेटी को खुश करना चाहते हैं? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस डॉल केक भले ही मैं मेरा बर्थडे पे बनाई, बट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ टू ऑल डॉटर्स एंड प्रिंसेस। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। आज का केक अंडा से बनाऊंगी। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में दो अंडा को फोड़ के लिया, हैंड विस्कर से अभी इसे बीट कर लूंगी अच्छे से। अभी अंडा के साथ ऐड किया 1 कप पिसी हुई चीनी। आप अगर एगलेस केक बनाना चाहते हैं तो अंडा के जगह पे दही का यूज करें। फिर मैं 1/2 कप ऑयल डाला इसमें और थोड़ा सा ऑयल डाल दी, एक कुकिंग ऑयल है, इसके जगह पे आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। फिर 1.5 स्पून यानी कि 1.5 स्पून वैनिला एसेंस डाल दिया। अभी इसे 10 से 15 मिनट तक मैं फेटूंगी। जितना अच्छे से फेटेंगे बैटर को, उतना ही अच्छा केक बनेगा। बैटर को साइड में रख के अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। एक छन्नी में 1.5 कप मैदा के साथ 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ नमक मिला के चारों चीज एक साथ में छान लूंगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे 2 से 3 बार छान ले, इसमें केक और भी फ्लफी बनेगा। छानने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर अंडा का बैटर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। मिक्सर को एक साथ में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। फिर इसे कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करें। मैं इसके पहले दिखाया डिटेल में, आज थोड़ा शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। फिर इसमें 3 से 4 टीस्पून दूध डाल के एक बैटर रेडी कर लिया। डिटेल में प्रोसेसिंग देखने के लिए आप मेरा दूसरा केक का वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मार्केट में डॉल केक बनाने का स्पेशल एक केक टिन मिलता है, बट मैं घर पे जो बर्तन अवेलेबल है उसमें बना के दिखाऊंगी। एक लंबा हाइट वाला स्टील का बर्तन में मैं बैटर को ट्रांसफर कर लिया। इस भगोने में थोड़ा सा नमक और एक कुकिंग स्टैंड रख के 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। अभी इसमें केक टिन को रख दूंगी। फिर इसे ढक के लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए बेक होने दूंगी। 40 मिनट के बाद ढक्कन हटा के एक स्टिक का हेल्प से चेक कर लूंगी। देखिए कितना बढ़िया केक रेडी हुआ, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे। स्टिक एकदम क्लीन आया, मतलब ये रेडी हो गया। अभी टोटली ठंडा होने के बाद इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। नीचे का बटर पेपर हटा दिया, केक एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट बन के रेडी हुआ। मैं सेम प्रोसेस में और एक केक बना के लिया, ये मैंने नहीं दिखाया, डबल डबल हो जाएगा करके। इससे एक साइज छोटा बनाया क्योंकि डॉल केक का शेप देने के लिए हमें ऐसा ही चाहिए। अभी मैं एक धागा का हेल्प से केक को 2 लेयर में कट करूंगी। आपके पास ब्रेड नाइफ रहेगा तो आप वो यूज करें, बट मुझे ये आसान लगे। सेम प्रोसेस में छोटा वाला केक को भी कट कर लिया। डॉल केक का शेप देने के लिए बड़ा वाला केक का एक लेयर को छोटा वाला केक का मेजरमेंट के हिसाब से ऐसा कट करूंगी। देखिए हमें ऐसा अरेंज करना पड़ेगा। अभी एक केक बोर्ड ले लिया, इसमें थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा के फर्स्ट लेयर को रख के इसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई कर रही हूँ। शुगर सिरप डालने से केक एकदम मॉइस्ट रहेगा। फिर इसके ऊपर व्हिप क्रीम का एक लेयर बनाने के बाद सेकेंड केक का लेयर रख दिया। सेम प्रोसेस में पहले शुगर सिरप, फिर उसके ऊपर व्हिप क्रीम का लेयर। सेम प्रोसेस में केक का चारों लेयर मैं अरेंज कर लिया, ऊपर भी थोड़ा सा शुगर सिरप लगा रही हूँ। अभी डॉल का एक मोल्ड को केक के अंदर इंसर्ट कर दूंगी। ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। देखिए ए टाइम पे केक का शेप कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है, बट हमें अभी गाउन का शेप देना है, तो ऊपर से धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करके केक को कट कर रही हूँ। केक को हमें ऐसा काटना है कि ऊपर का पोर्शन नैरो और नीचे ब्रॉड रहे। गाउन का शेप देने के बाद अभी इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम से कवर कर दिया। गाउन को और थोड़ा एट्रैक्टिव लगने के लिए पीछे साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा केक का पीस लगा दिया मैंने। क्रम कोटिंग के बाद केक को मैं 5 मिनट फ्रिज में रखी थी सेट होने के लिए। फिर इसके ऊपर ब्लू व्हिप्ड क्रीम से फाइनल कोटिंग कर रही हूँ। ब्लू क्रीम से कवर कर लिया। अभी ए टाइम पे और 5 मिनट मैं फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में रखने के बाद अभी ऊपर का ब्लाउज का डिजाइन बना रही हूँ। एकदम छोटा साइज का स्टार नोजल पाइपिंग बैग में सेट करके व्हिप क्रीम से डॉल का ब्लाउज बना रही हूँ। केक डेकोरेशन के टाइम आप हो सके तो ऑलवेज एसी रूम का यूज करें, नहीं तो इवनिंग टाइम पे करें। तभी बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है तो केक पिघलने का चांसेस थोड़ा कम रहता है वो टाइम पे। ब्लाउज का डिजाइन बना लिया।
अभी नीचे का पोर्शन गाउन का डिजाइन बनाऊंगी। मैं यहाँ पे राउंड शेप का नोजल यूज करके गाउन का चारों तरफ ऐसा लाइन बनाऊंगी। केक का चारों तरफ मैं लाइन बना लिया। देखिए, मैं साइज से इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा फॉलो करना मैं क्या कर रही हूँ। अभी लाइन का साइड से थोड़ा ऐसा राउंड राउंड डिजाइन बना रही हूँ। अभी व्हाइट क्रीम से ग्राउन का चारों तरफ ऐसा डिजाइन बनाऊंगी और ब्लाउज का नीचे एक मैं बॉर्डर बना लिया। इस केक बनाने का मेरा एक मकसद है। मैं ऑलवेज चाहती हूँ हमारा देश में क्या पूरा वर्ल्ड में जितना डॉटर से बच्ची है वो हमेशा खुश रहे। मैं खुद एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक बेटी को इसका लाइफ में सक्सेसफुल होने का मौका मिले। और इस एपिसोड का दौरान मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, उसे मौका दीजिए आगे बढ़ने की। सेव गर्ल चाइल्ड। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। सेम स्टार नोजल यूज करके व्हाइट क्रीम से मैं अभी नीचे का पोर्शन में भी डिजाइन बना लिया। अभी व्हाइट कलर का बीच में जो गैप है इसमें अभी पिंक कलर का डिजाइन बनाऊंगी और मैं सेम नोजल यूज कर रही हूँ। देखिए, ऐसा छोटा छोटा स्टार बना रही हूँ। डॉल का ब्लाउज का जो स्ट्राइप है उसमें भी मैं व्हाइट कलर से थोड़ा डिजाइन बना लिया। इट्स डन। अभी देखिए इसका लुक। इस केक बनाने में मेहनत जरूर हुआ बट रिजल्ट इतना अच्छा आया कि सारे मेहनत भूल गई मैं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग दिस केक। काटने का मन नहीं कर रहे बिल्कुल, फिर भी आप लोगों को तो दिखाऊंगी कैसा है अंदर का टेक्सचर। देखिए, आज का केक का डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, बट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। आप लोग सपोर्ट और एनकरेज करेंगे तो आगे और भी केक का वीडियोस और नया नया रेसिपी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्कस रसोई।